हेलो हेलो जी। धन है माता पिता जिसने हम जैसा आप पुत्र पैदा की, वही पुत्र बड़े बड़े जंगलों में जाकर हजारों वर्ष तपस्या की। कोई भी काम करने से पहले जब तक हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद नहीं होता है तब तक हमें कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती है। आइए दोस्तों, सभी तो अधिक हो चुके हैं, मैं सीधा पाठ की दुनिया में लेकर चलता हूँ। हेलो हेलो हेलो। जी माँ सरस्वती ने स्वर दिया कि गुरु ने दिया ज्ञान। हो जी माँ सरस्वती ने स्वर दिया कि गुरु ने दिया ज्ञान। माता पिता ने जन्म दिया अब कर्म लिखा भगवान। हे जी कंठ बसे माँ सरस्वती, हे जी कंठ बसे माँ सरस्वती कि हृदय बसे महेश। भूलल अक्षरी जोर परू हे जी गौरी का पुत्र गणेश। भैया सर यही साथी भवानी के उनको चारा नब सीरामा हो जू काबी राम। I'll be
सा हरा लगैया चंद्रपुर सा हरा लगैया पिता नाम यही चंद्र सिंह राजा नाम दोस्तों। मेरा रोल इस प्रकार है कि मेरा घर पड़ता है चंदनपुर शहर और पिताजी के नाम पड़ता है राजा चंदन सिंह और इस महल में एक मंत्री है जो कि मंत्री का नाम पड़ता है जुलवे सिंह। आज इस महल में मेरा ही नाम पड़ता है राजा उत्तम पाल सिंह। 14 अगस्त की राजपुर पश्चिम पड़ता है चंदनपुर शहर। आज इस राज में आज तक इस महल में आज चौथा पर्व मुझे तीसरा पर्व मर भी चुका है लेकिन इस महल में ना एक पुत्र है ना एक पुत्री है। लतिया विधाता जी ये आजुदी नहीं आज यही विधाता जी आज रहती है गोदी के लहकवेला। आज से मैं इस महल में आज सबसे पहले मैं मंत्री को बुलाता हूँ और इस महल का हाल समाचार पूछता हूँ कि इस महल में जब भी किसी राज में किसी दूसरे राज में जाते हैं तो सबसे पहले मंत्री को पता रहता है। आज सबसे पहले इस दरबार में मैं मंत्री को बुलाता हूँ। हो चला ला। हो चला ला।
जलवे ये बताओ कि आज सिंह दरबार में मैं तुम्हें एक घंटा से बुला रहा हूँ जी मालिक, लेकिन ये बता कि आज सिंह दरबार छोड़ करके तुम कहाँ गया था? मालिक सिंह दरबार छोड़ के हमें चल गए, हमें ड्यूटी भाग ले ड्यूटी। क्या ड्यूटी? जी हाँ रे हरम ज्यादा कहीं का। ये बताओ कि आज सिंह दरबार छोड़ करके तुम्हें कहाँ ड्यूटी हो गया है? मालिक हमारा भगिन मान घर में ड्यूटी भले भगिन मान घर में। क्या जी जी रे भगिन मान घर किसको बोलता? वो तने चौथा ऊपर में रे हरम ज्यादा वो भगवान का घर है। भगवान के घर में यानी सिंह दरबार छोड़ करके तुम्हें भगवान के घर में तुम ड्यूटी करते हो, तो ये बताओ कि भगवान के घर में तुम कौन सा ड्यूटी तुम करते हो? और थोड़ा सा मॉनिटर में आवाज भी दे लीजिए, आवाज कम है मॉनिटर में आवाज बढ़ाइए। हेलो हेलो जी हेलो हेलो जी हेलो ठीक रहने दीजिए जी मालिक। हाँ रहने दीजिए बस, कल होगा वहां पे छोड़ दीजिए। अजी मालिक जलवे ये बताओ कि भगवान के घर में तुम कौन सा ड्यूटी तुम करते हो? मालिक 8 बजे दिन में खाना पीना खा ले छे। अच्छा एक नंबर गेट पर खड़ा भाग ले छे। अच्छा एक नंबर गेट पर खड़ा भाग मालिक आज जब तक ऐ संसार में मरे छे हाँ सबके संटिंग करे छे। अच्छा आज जब तक ऐ पृथ्वी पर हाँ जलमे छे सबके कॉन्टिंग करे छे कॉन्टिंग। जलवे जी मालिक कब तक तुम भविष्यवाणी की भी बात तुम जानते हो? जी मालिक 18 महीना आगू और 36 महीना पाछू, यानी मैं जितने भी बात भविष्यवाणी के मैं तुमसे पूछूंगा तुम सारे बात बता सकते हो। जी मालिक जो आप पूछबे सवाल के जवाब देबे और के की बोले है ते एठना मेला ग्राउंड में। अच्छा वो हम कह दी, यानी तुम सारे चीज बता सकते हो? जी मालिक। तो आज मैं तुमसे एक भविष्यवाणी की बात पूछता हूँ, जल्दी पूछो सांझ पर। ये बताओ कि हमारे ऑर्गेज मास्टर अगर अजय भैया मर गया तो उसे क्या चीज में जन्म होगा? अब आप ही ने मरता हमारे पर कासा रुच यही हो। हरम ज्यादा कहीं का, मैं तुमसे भविष्यवाणी के बात पूछ रहा हूँ। मालिक इतना छ मरे वाला अब भविष्य बुढ़ारी में जब ई मर जेता हाँ तो सब दिन तो बजल के ऑर्गेज। अच्छा ई जब मर जेता 12 बजे रात के जगह ऑर्गेज बजबे ले नहीं मिलता हाँ तो एकर जलम है तो भेम में क्या भेबे? जी मालिक कोनो चार में लटक जेता आ भरत के करत एकर जलम भेम में। इसका बोल तो तुम भविष्यवाणी तुम बता दे। हमारे नाल मास्टर अगर मर गया तो उसे क्या चीज में जन्म होगा? मैं तुमसे भविष्यवाणी के बात पूछ रहा हूँ। जी मालिक सचमुच में मर जित जब बुढ़ारी में मर जता मालिक हाँ बजल कर सब दिन काट के नाल जब मर जता तकर कौन चीज में जलम है जाने छिया? क्या चीज में कि हो छोटका रहना यार कौन चीज में जलम है ते करो अकर जलम हाथ कट खोधी में 12 बजे रात के जा 4 बजे वाला नहीं मिलता है हाँ तो कोनो गाछ में उल्टा लटे की जात 12 बजे रात के। अच्छा आ एकर लोल हेते 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 के उल्टा लटक जता करते करना जाने छिया खटर 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 बजा वाला बंद करेगा ढोलका वाला जलवे अकर जलम हाथ कट खोदी में। तुम तो इसका भी भविष्यवाणी तुम बता दिया। जी मालिक अगर जो हमारे पेड मास्टर अमर भैया मर गया तो उसे क्या चीज में जन्म होगा? मालिक इतने चमोरे वाला लेकिन 80 बरस सूर्य के लगा लेकिन नहीं मरता रे बुढ़ारी में जब मरता बुढ़ारी में हाँ कहीं देख लग जना ये पेड बजबे छा एकर जलम है तो झिंगूर में क्या झिंगूर में? जी मालिक सोन भादा महीना बैठ जेता कोनो धान के यार पर आकर तो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। अब एक भविष्यवाणी तुमसे और पूछता हूँ, जल्दी पूछो जल्दी फटाफट। ये बताओ कि हमारा ड्रम मास्टर अनमोल भैया अगर मर गया तो उसे क्या चीज में जन्म होगा? अलमोल भैया ने मरता अलमोल भैया सब ना ओल के सब्जी खाए रे
मैं तुमसे भविष्यवाणी के बात पूछ रहा हूँ। मालिक ई तो मरे वाला बेचारा नहीं छ, भविष्य बुढ़ारी में मर जता। अच्छा देख लो, नौ बच्चा के बाप छ, नौ बच्चा के सात गो का हाथ से बजबे छ, डम 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 ढीस। हां टूटा के टांग से ई जब मर जता त घर में जहां झूठ बोलो कि जहां सच बोले छो त जना ठीक ठिकिया बोले छो। अच्छा काई नहीं कत ठीक ठीक अकर जला में त ठीक ठिकिया में चिलवे सारे आदमी का तुमने भविष्यवाणी तुम बता दिया जी मालिक गिर गिट। अब एक बार बताओ कि हमारे बाजा ऑपरेटर अगर जब बाजा ऑपरेटर मर गया तो उसे क्या चीज में जन्म है? ओकर परिवार नाच देखा लेते खपरी फेंक तो हरम ज्यादा कहीं का। मैं तुमसे भविष्यवाणी की बात पूछ रहा हूँ। हे मालिक अखन देखा बचना का दूध हाथा तो टूट लिया भविष्य बुढ़ारी में जब मर जता। हाँ जलन को चीज में जाना छिया क्या चीज में चाहनी अखनी ये 10 गांव 20 गांव लोग के सुते लेने दल के या। हाँ 5-10 टा हरण होने छे, 10-20 टा हरण होने छे, 8-10 गो द्वारो पर छे, चाहनी मालिक 10 गांव के लोग के सुते लेने दल के या। अच्छा ये जब मर जता। हाँ अकर जलन में तो नरिया में नरिया में अगर 12 बजे रात के जब बजा बजे वाला नहीं मिलता। हेलो पलेन भेल जाए भैया बढ़िया से निकल एक बजे जलम है तो नहिया में ठीक छह 12 बजे रात के जब बजा बजे वाला नहीं मिलता। हाँ तो कोनो खरहर के आर पर बैठ जाता आ करता कर जाने चाहे फिर सुना के बा बा सबके नींद के दर्द जलवे। जितने भी आदमी था यानी तुमने सारे आदमी का भविष्यवाणी बतवा जी मालिक। हेलो आवाज नहीं भैया आइए अस्तित्व पे देखिए आवाज नहीं पुर रहा आवाज वोल्टेज कम है तो वोल्टेज जनरेटर स्टार्ट करवाइए। हेलो हेलो जी हेलो हेलो जलवे जी मालिक यानी तुम सारे आदमी का भविष्यवाणी तुमने बता दिया जी। एक बात और बताओ अगर जब तुम मर गया रे हरम ज्यादा कहीं का अगर तुम मर गया तो तुम्हारा क्या चीज में जन्म होगा? हे ओ मालिक हमने मरवा मालिक क्या एक दिन मर लिया ना तो बहुत कठिन से घूर के लिए मालिक हमने मरवा कभी नहीं मर सकता है नहीं कभी नहीं कहियो ना। क्या तुम अमर पी करके आए हो? अमर तो नहीं पी लिए कौवा के अंगर पकड़े हरम ज्यादा कहीं का। मैं तुमसे भविष्यवाणी के बात पूछ रहा हूं। हमरा लिए कोई भविष्यवाणी नहीं छे अगर आहा अपन भविष्यवाणी पूछे ले चाहे छे तो तुरंत सेकंड में बता दी सेकंड में क्या मेरा भविष्यवाणी जी मालिक तुम बता सकते हो? तो ये बता जुलमी अगर जब मैं मर गया तो मेरा क्या चीज में जन्म होगा? रहने दी मालिक आहा जब मर जब है। हाँ तो आहा के जन्म कोई चीज में जाना चाहिए क्या चीज में जल्दी बताओ मालिक के नाम है आहा जब मर जब है। हाँ आहा तो नट्टा खट्टा जवान चाहिए। हाँ ये पकड़ा बुहे बुहे आहा जब मालिक के मर जब है। हाँ तो आहा के जलम कौन चीज में जाना चाहिए क्या चीज में? आहा के जलम है तो कार्तिक महीना पिल्ला में तरफ जल्दी